भाजपा के वरिष्ठ नेता व आदिवासी नेता नंदकुमार साय के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बस्तर में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सभी एक दूसरे पर आदिवासियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जगदलपुर के कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि नंदकुमार साय के आने से पार्टी को बल मिलेगा, पार्टी ने उनका घोर अपमान किया है और हमेशा भाजपा आदिवासियों का अपमान करती रही है। वहीं इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने नंदकुमार साय के कांग्रेस प्रवेश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ये कांग्रेसियों की फितरत रही है कि वे हमेशा आदिवासियों का इस्तेमाल करने की कोशिश में रहते हैं। देखिए, नंदकुमार साय बहुत ही सम्मानित आदिवासी नेता रहे हैं और उन्होंने आदिवासी समाज के लिए अपने राजनीतिक जीवन में बहुत प्रयास किए, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता हम सभी ने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समाज का सम्मान खत्म हो गया है कि जो सम्मान पहले मिलता था। अभी ये 15 सालों की जो सरकारें रही रमन सिंह जी की और बाकी, तो लगातार आदिवासियों को उपेक्षित किया जा रहा है, आदिवासियों के हित में काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने वनवासी के पट्टे की बात आई थी, वनवासियों को पट्टा दिया गया लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। अभी हमारी सरकार उसको पुनर्विलोकन करके सभी लोगों को वन अधिकार पट्टा, सामुदायिक संसाधन अधिकार और आदिवासी समाज के आर्थिक। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों का सम्मान किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब मध्य प्रदेश के समय से, दिलीप सिंह भूरिया जी थे, कैसे उनको कहते हैं काटा कांग्रेस पार्टी ने, अरविंद नेता छत्तीसगढ़ से थे, उनको कैसे खत्म किया। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भंवर सिंह पोरते हैं, उनको कैसे खत्म किया। तो ये तो पूरी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वर्ग के नेताओं का किस तरीके से उपयोग किया, किस तरीके से उनको खत्म करने की।